हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम्स डॉट कॉम ऑन टेंथ ऑफ सेप्टेंबर यू आर गोइंग टू अटेंड योर आई बी पी एस आर आर बी जी बी ओ स्केल टू एंड स्केल थ्री एग्जाम्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक ओके एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माई मूल मंत्र एंड द अपडेट्स सो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज मैं शेयर करने वाला हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट दैट वी हैव टुडे इज द सुपर सेट यप द सुपर सेट का थर्ड एडिशन जो है एंड पावर कैप्स्यूल पावर कैप्स्यूल वेरी इंपॉर्टेंट पावर कैप्स्यूल और सुपर सेट का थर्ड एडिशन इज अवेलेबल इन योर कॉर्स सो प्लीज़ ओपन द फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन एंड डाउनलोड दीज टू कैप्सूल्स द सुपर सेट एंड द पावर कैप्स्यूल सुपर सेट में सारे एम सी क्यूज हैं पावर कैप्सूल में कंसेप्चुअल वे में पूरा हमने एक्सप्लेन किया हुआ है सो ऑल दैट इज अवेलेबल हेयर सो प्लीज डाउनलोड एंड दीज आर एक्सटेंशनज ऑफ द सेकेंड एडिशन सो ये सिक्स ऑफ सेप्टेंबर तक की अपडेट्स हैं इसमें सिक्स ऑफ सेप्टेंबर 2022 तक की सारी ट्वेंटी uh, ट्वेंटी तक की सारी अपडेट्स हमने इसमें ऐड कर दी हैं जो सेकेंड एडिशन था इट वॉज अपडेटेड टिल ट्वेंटी फोर्थ ऑफ सेगस्ट ये सिक्स ऑफ September तक सारा अपडेटेड है मैनी बिज रमनद सिंह एंड अब बिन टीचिंग ऑन बैंक एग्जाम्स टूडे फ्रॉम लास्ट ट्वेल्व इयर दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर वे यू आई यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड एम गोइंग टू आंसर योर डाउट्स सो दिस इज एग्जाम्पन स्टूडेंट्स आई नो ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट देर इज सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी है आई होप यूर यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट की सेक्शनल कट ऑफ है लेकिन सेक्शनल कट ऑफ काफी कम होती है लेस देन टेन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर रीजनिंग क्वान्ट फाइनेंशियल अवेयरनेस Uh, सात आठ से लेके ग्यारह बारह तक होती है सारे सब्जेक्ट्स की इवन फॉर द कंप्यूटर नॉलेज इट इज़ लाइक फाइव सिक्स तो यू शुड नो दिस ठीक है इतनी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए ठीक है सो लेट्स मूव फॉरवर्ड ये आपको एक uh, जो है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एंड इन द रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन सी जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं uh, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं रीजनिंग एबिलिटी में सबको थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा आती है क्योंकि वो काफ़ी देर बाद जो है रीजनिंग का सब्जेक्ट अटैम्प्ट कर रहे होते हैं सो आउट ऑफ फिफ्टी इफ यू आर एबल टू स्कोर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव दैट इज़ अ वेरी गुड मार्क अकॉर्डिंग टू मी डू नॉट ट्राई टू स्कोर लाइक फोर्टी आउट ऑफ फिफ्टी फोर्टी फाइव आउट ऑफ फिफ्टी आई मीन अगर आपके टेस्ट सीरीज में इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं फोर्टी फोर्टी फाइव तो आप एग्जाम में भी जाके इतना ट्राई मत करें ट्राई टू अचीव एट लीस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तो ये सफिशियंट रहेगा मेरे हिसाब से इवन क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड ट्वेंटी फाइव के तकरीबन ट्वेंटी फाइव थर्टी इतना आप अटैम्प्ट करें इतना आप जो है ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के तकरीबन इतना कम से कम स्कोर आप करने की कोशिश करें इन द फाइनेंशियल अवेयरनेस ट्वेंटी प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर इन द इंग्लिश लैंग्वेज आई गेस ट्वेंटी फाइव प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर राइट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एंड इन द कम्प्यूटर नॉलेज फोर्टी क्वेश्चन है ट्वेंटी मार्क्स हैं एनीथिंग अब टेन इज़ वेरी गुड तो ये अगर आप अपना एक आइडियल मान लीजिए नाइन्टीन नाइन्टी फाइव स्कोर करते हैं तो आई कैन अश्योर यू कि सिलेक्शन हो जाएगा आपका आपकी डिज़ायर्ड बैंक में ठीक है तो ये मेरी तरफ़ से एक समझ के चलें कि इस तरह से आपको जो है इतना आपको अटैम्प्ट स्कोर करना चाहिए इतना स्कोर करना चाहिए हो सकता है कि रीजनिंग में आपका उतना अच्छा स्कोर ना आ पाए तो आपको बाकी सेक्शंस में से कवर करना पड़ेगा तो ये मैं ऑलरेडी थोड़ा सा बता चुका हूँ फाइनेंशियल अवेयरनेस फर्स्ट ऑफ जनवरी 2023 ट्वेंटी थ्री टिल एट्थ ऑफ सेप्टेम्बर ट्वेंटी पूरे 2023 की सारी आप फाइनेंशियल अवेयरनेस करके चलें अगर टेंथ को एग्ज़ाम है नाइन्थ ऑफ सेप्टेंबर तक की मैं तो कहूँगा आप फाइनेंशियल अवेयरनेस करके चलें ठीक है कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नाइन्थ को आ जाती है तो आपने वो भी करनी है आर बी आई सर्कुलर्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू वाले भी करने हैं ये गलती से ट्वेंटी ट्वेंटी टू नहीं लिखा है आई मेंट इट आई मेंट फॉर लाइक ट्वेंटी ट्वेंटी टू ही लिखना चाहता था मैं uh, मैं कहता हूँ सारे स्टूडेंट्स को ट्वेंटी ट्वेंटी टू से करें ट्वेंटी uh, अगर पिछले एक साल के टोटल करते हैं वो भी सफिशेंट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट स्कीम्स आपको सारी करनी है सुकन्या समृति योजना किसान क्रेडिट कार्ड uh, या जनधन योजना है वय वंदना योजना है बहुत सारी इंश्योरेंस की स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की Uh, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग आपको करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईयर ए नॉर्म्स आपको करने हैं सरफाइसी एक्ट आपको करना है वो शायद यहाँ पर नहीं लिखा है सरफाइसी एक्ट भी आप कर लें सरफाइसी एक्ट में से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं बीआर एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर साल दो तीन क्वेश्चन आते हैं इसमें से एनी न्यूज़ रिलेटेड टू बैंक कोई भी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री कोई भी एक्सिस बैंक की न्यूज़ आ गई कोई एच डी एफ़ सी बैंक का न्यूज़ आ गया एनी थिंग रिलेटेड टू दैट एनी अवार्ड बिंग अवार्डेड टू एनी बैंक और एनी एम ओ यू बिटवीन अ बैंक और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च और एनी मर्जर और एकविजेशन एनी अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू सी ई और द डायरेक्टर और यू नो एम डी ऑफ अ बैंक तो दैट इज़ दैट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट अभी जैसे कोई नया म्यूचुअल फ़ंड एम सी लॉन्च हुआ है तो बजाज ने नया रिसेंटली नया अनाउंस किया है कि म्यूचुअल फ़ंड लॉन्च करेंगे बजाज ने किया है अनाउंस और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने किया है जियो ब्लैक रॉक जियो और ब्लैक रॉक का टाइप हुआ है ये इट सेल्फ एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये जो हम बातें कर रहे हैं कई बार इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं कि बजाज Uh, के नए म्यूचुअल फंडस आ रहे हैं और जियो और ब्लैक रॉक दोनों मिल के अपने जो है म्यूचुअल फंड्स ला रहे हैं तो कई बार बात बात में क्वेश्चन आपको बता दिए जाते हैं और ये एग्जाम में आ जाते हैं ठीक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मैंने बताया इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट अगर आप सुपर सेट पढ़ेंगे तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसमें काफ़ी कवरेज होगी आई डिड अ मैराथन सीरीज़ इन विच आई डिड आई गेस अराउंड एटी कोशनस विच और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने मोर देन एटी एक्चुअली हंड्रेड प्लस क्वेश्चन करे हैं सो so, uh, सारी फाइनेंशियल अवेयरनेस आर बी आई सर्कुलर का मैंने एक अलग से सेशन किया है एम सी क्यूज का येस्टर्डे प्लीज गो थ्रू दैट एक्सपोर्ट फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फाइनेंस फाइनेंस बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जी डी पी नंबर्स बाई इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन तो ये आप जरूर करें करके जाए द बेस्ट वे टू कवर अप ऑल दैट इज सुपरसेट सेट थ्री सुपर थ्री से आप जल्दी जल्दी जो है सारा कवर कर सकते हो सिक्स फिफ्टी एम सी क्यूज़ हैं क्विकली आपका रिविजन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी आई कैन अश्योर यू कि ये सिक्स फिफ्टी क्वेश्चन में से कम से कम पंद्रह सोलह क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे एंड विद इन वन और टू डेज़ यू कैन ईजिली कवर द एंटायर फाइनेंशियल अवेयरनेस सिलेबस एटलीस्ट रिविजन तो आपका हो ही जाएगा सो सुपर सेट आप ज़रूर पढ़ें ज़रूर जरूर पढ़ें बिकॉज सुपर सेट में पूरा कंप्लीट कवरेज है आई मीन आई पर्सनली सजेस्ट यू कि इसमें आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा पावर कैप्सूल भी है लेकिन और अगर टू नहीं पढ़ाए तो थ्री थोड़ा लेंदी हो जाएगा सुपर सेट तो क्विकली कवर हो जाएगा आपका एंड टेक अ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग एनी टेस्ट सीरीज एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू टेक द टेस्ट द रियल एग्जाम में आप पहली बार कंप्यूटर uh, पे मतलब आर आर बी जी बी ओ का टेस्ट दे रहे हो एग्जाम दे रहे हो इट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन और टू सिट यू नो कॉन्टीन्यूसली फॉर टू आवर्स दो घंटे एक जगह पे बैठ के पेपर देना भी कई बार डिफिकल्ट हो जाता है कंसंट्रेशन नहीं कर पाते आप थक जाते हो तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है तो सुपर सेट थ्री का लिंक आई विल प्रोवाइड दैट इन द डिस्क्रिप्शन प्लीज़ डाउनलोड इट सब लोग डाउनलोड करके पढ़ें उसे बहुत ज़रूरी है एंड इफ यू वॉन्ट टू टेक द कॉर्स फॉर थ्री फोर डेज यू कैन गेट इट ऑन बैंक एग्जाम छोड़े डॉट कॉम यू विल गेट लाइक थर्टी डेज सब्सक्रिप्शन सो वीडियो क्लासेज नोट्स टेस्ट सीरीज एवरीथिंग सुपर सेट पावर कैप्सूल उसी में आपको मिल जाएगा अ लिस्ट ऑफ अर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ऑल दी स्टूडेंट्स ए टू का कोर्सेस इन द पास्ट एंड दे क्रेक द रिस्पेक्टिव एग्जाम्स एम रियली रियली हैप्पी फॉर दैम सो कोई भी आपको दिक्कत परेशानी है जस्ट डॉप मी वट वॉट्सअप मैसेज एंड एम गोइंग टू आंसर यू एंड दैट सॉल्व फॉर डे स्टूडेंट्स थैंक यू एंड अव वेरी नाइस डे बाय